राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है वायु परिवहन। वायु परिवहन परिवहन का सबसे तेज और सबसे महंगा साधन है। विशाल आकार और नियोजित आर्थिक विकास के कारण परिवहन का ये साधन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। बड़े बड़े औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित हैं, अतः इनमें आपस में संपर्क बनाने के लिए तेज परिवहन की आवश्यकता है। यही नहीं, अन्य देशों से भारत को जोड़ने के लिए वायु परिवहन अत्यावश्यक है। भारतीय वायु सीमा में सुरक्षित सक्षम वायु यातायात तथा वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने का दायित्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का है। भारत में वायु सेवाएं दो प्रकार की हैं, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू। एयर इंडिया यात्रियों और माल के परिवहन के लिए अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। सन 2000 से 2001 में एयर इंडिया के द्वारा 38.3 लाख यात्रियों ने यात्रा की। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वायुमार्ग ये हैं: दिल्ली रोम फ्रैंकफर्ट, दिल्ली मॉस्को, कोलकाता टोक्यो, कोलकाता पर्थ, मुंबई लंदन न्यूयॉर्क। एयर इंडिया के अलावा अनेक विदेशी विमान कंपनियां भारत के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई विमानपत्तनों के द्वारा विमान सेवा प्रदान करती हैं। इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस की सहायक अलायंस एयर, निजी नियमित वायु सेवाएं और एयर टैक्सियां घरेलू वायु सेवाएं प्रदान करती हैं।
इंडियन एयरलाइंस दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के पड़ोसी देशों को भी वायु सेवाएं प्रदान करती है। निजी कंपनियों के पास अनियमित एयर टैक्सी चलाने के परमिट हैं। निजी वायु सेवा कंपनियों की घरेलू वायु यातायात में इस समय 52.8% की भागीदारी है। उदारीकरण की नीति के लागू होने के बाद वायु सेवा के क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ी है। वायु परिवहन। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, वाचक थे अमिताभ वर्मा। विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्र, आलेख एसके शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।